तर भोपाळमध्ये सुद्धा सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढण्यात आला. भाजपच्या कार्यकर्त्यांबरोबर स्थानिकांनी देखील या कायद्याचं समर्थन केलं. मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य असून त्याचं समर्थन आम्ही करतो आहोत असं भाजप कार्यकर्त्यांनी म्हटलं आहे. आणि या रॅलीमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांसह इतर नागरिक देखील सहभागी झाले होते आणि त्यांनी CAAला समर्थन दर्शवलं आहे. नागरिकता संशोधन कानून जो भारत सरकार लाई है वो अपने लिए नहीं, वो 47 के विभाजन में पीड़ित बंधुओं के लिए लाई है, जिन बंधुओं के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि 47 के विभाजन में भूलवश या सहज जो पाकिस्तान, लाहौर, कराची या बांग्लादेश उस समय नहीं बना था वहां जा रहे हैं. अगर ऐसे लोगों को वहां किसी प्रकार की उत्पीड़ना होती है, किसी प्रकार के धार्मिक विपत्ति उनके सामने आती है, बहन बेटियों की इज्जत का सवाल आता है, तो ऐसे लोग जब चाहें तब हिंदुस्तान आ सकते हैं. हिंदुस्तान उनका पहले भी देश था, आज भी देश है और आगे भी देश रहेगा. केवल भारत नागरिकता नहीं देगा,